राधे राधे मित्रों, मैं हूँ इस समय वृंदावन के चीर घाट पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कदम का पेड़ पे जो है चीर चुरा के गोपियों के टांग दिए थे। तो ये वो ही कदम का पेड़ जो आप सामने देख रहे हैं, ये कदम का पेड़ है जो सामने आप देख रहे हैं, और ये यमुना के तट पर स्थित है, जिसे चीर घाट के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि इस पर पेड़ पर जो कदम का पेड़ आप देख रहे हैं, यही वो कदम का पेड़ था जो 5500 वर्ष पुराना है। और ये सामने यमुना बह रही है, देखिए ये सामने कदम का पेड़ है, जिसे चारों तरफ से जो है सीमेंट का एक चबूतरा बना दिया है। और इधर देखिए इमली तला घाट है, और इस तरफ जो है केसी घाट है, और इधर ये यमुना बह रही है। मैं आपको यमुना जी दिखा देता हूँ और यमुना के दर्शन करा देता हूँ। और यहीं बराबर में इमली तला घाट है, और आगे थोड़ा जाएंगे जो है इमली तला घाट से, तो वहाँ पे आपको कालिया देह घाट पड़ेगा। तो आप देखिए ये यमुना जी हैं, और इस समय जो है पूरी तरह से फुल भरी हुई हैं, फुल चल रही हैं, भर के उफान पर हैं यमुना जी। और आज रक्षाबंधन का दिन है, इसीलिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, और नहीं वरना यहाँ पे बहुत भीड़ मिलती है। तो मित्रों के जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि चीर घाट पर जब भगवान श्री कृष्ण ने चीर घाट चुरा के टांग दिए थे, कि जो गोपियाँ थी वो नग्न अवस्था में नहा रही थी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं इस पेड़ पर, कि अगर आप जो है यहाँ पे जो है नग्न अवस्था में आपको नहीं नहाना चाहिए। कि उन्होंने जब पूछा यहाँ तो कोई भी नहीं, उन्होंने कहा यहाँ है क्यों नहीं, यहाँ माँ गंगा यमुना जी हैं, और भी यहाँ भगवान भी हैं, सब कोई है। तो मित्रों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये था चीर घाट जिसके दर्शन कराए थे, धन्यवाद।